नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सप्लोरर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सुख के कारक ग्रह, भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल की राशि मेष में जा रहे हैं और मेष राशि में जब जाएंगे शुक्र तो क्या परिणाम देंगे, यह आपके लिए अति आवश्यक गोचर होगा। जब भी कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उसका अच्छा बुरा प्रभाव इंसान पर पड़ता है, धरती पर पड़ता है। तो शुक्र किस चीज़ के कारक हैं? सुख के कारक हैं। सुख क्या है? सुख वही है जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसके पीछे आप बचपन से लेकर अब तक भाग रहे हैं। किसी के लिए जो सुख है वो गाड़ी है, बंगला है, किसी के लिए अच्छा खाना है, किसी के लिए अच्छे वस्त्र है, किसी के लिए अच्छा साथी है, किसी के लिए अच्छा प्रेम है, किसी के लिए ये जो दुनिया की खूबसूरती है ये सुख है। तो सबके लिए सुख की परिभाषा अलग है। किसी को आलू खा के सुख मिलता है, किसी को टमाटर खा के सुख मिलता है, किसी को सोने की हार पहन के सुख मिलता है, किसी को अच्छे कपड़े पहन के सुख मिलता है, किसी को कूलर की हवा में सुख मिलता है, किसी को एसी की हवा में सुख मिलता है, किसी को खुले आसमान के नीचे सुख मिलता है। तो सबके लिए सुख की परिभाषा अलग है। तो अगर आपके जीवन में जो सुख नाम का शब्द है अगर ये पाना चाहते हैं तो ये शुक्र का गोचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोचर है और शुक्र जितना मजबूत होगा उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ शुक्र अच्छा तो इस दुनिया के सारे सुख अच्छे, शुक्र खराब तो सब बेकार। अब आप 10 सेकेंड में समझ जाएंगे कि शुक्र क्या देते हैं। अब आप लोग अपनी आंखें बंद करिए जब तक मैं गिनती गिनता हूँ। यहाँ पे आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए मैं भी बंद कर रहा हूँ, मैंने भी आंखें बंद कर ली। 1 2 3 4 5 6 आंखें बंद हैं तो सब अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब जीरो है। अब देखिए आंखें खुल गई तो क्या हुआ, सब दिखाई पड़ने लगा। तो जो अंधेरा है वो दुख है और जो उजाला है वो सुख है। तो अगर जिनका शुक्र खराब होगा उनका जीवन अंधकार में बीतेगा यानी कोई सुख नहीं होगा, और जिनका शुक्र अच्छा होगा उनका जीवन उजाले में बीतेगा यानी सुख ही सुख होगा। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूँ, यही शुक्र है। तो शुक्र आपके जीवन में अब क्या प्रभाव लेकर आएंगे जब बदलाव करेंगे, तो इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। मेरी वीडियोज़ को वही लोग देखें जो लोग ज्योतिष से प्रेम करते हैं, अपने जीवन से प्रेम करते हैं। समझने की वीडियोस मैं बनाता हूँ, कोई हवाबाजी वाली वीडियो नहीं होती। तो समझ के अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो थोड़ी गंभीरता से अगर आप देखेंगे तो आपको शुक्र के गोचर से लाभ कैसे मिलेगा ये सब भी हमें आपको पता चल जाएगा और उपाय क्या करने ये भी पता चल जाएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और आप सभी के जीवन में शुक्र अच्छा प्रभाव लेकर आए इसकी हम पहले से ही मंगल कामना करते हैं। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और इसके साथ साथ अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आपकी राशि के लिए शुक्र क्या लेकर आ रहे हैं मेष राशि में अब जानते हैं विस्तार पूर्वक। शुक्र जब भी द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, आपके लिए आराम के जीवन को जीने की इच्छा होगी, आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, आप अपने खर्चों को सही तरीके से करेंगे, गीत कला संगीत में आपकी रुचि होगी, शानदार घर, शानदार नौकरी, शानदार व्यापार होगा, शानदार शिक्षा होगी, शानदार लोगों से मिलना जुलना होगा, आप बहुत अच्छी जिंदगी को जिएंगे, आप को मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कई बार आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जीवन के सुखों को बढ़ाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, यही खर्चा आपको परेशान कर सकता है। तो खर्चे होश में करिएगा। शुक्र अगर इस घर में अशुभ होते हैं तो व्यक्ति को भोग यानी कि दुनिया में जो चीज़ें हैं उनका आदि बना देते हैं, और जब किसी चीज़ के आप आदि हो जाएं, चाहे अच्छे खाने के, चाहे अच्छे पहनने के या भोग विलास के, तो फिर आप पैसा पानी की तरीके से बहाते हैं, यही आपके लिए नुकसान होगा। सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा भोग विलास और ज़्यादा अय्याशी और ज़्यादा दिखावापन आपको बुरे रिजल्ट देगा, यानी आपको कष्ट होगा। जब पैसा ही नहीं बचेगा तो फिर जीवन में दुख तो आ ही जाएंगे। संतान
से भी आपकी अनबन हो सकती है। शुक्र आपको मीठा बोलने वाला बनाते हैं, समाज में यश और सम्मान दिलाते हैं, अच्छे रत्न आभूषण दिलाते हैं, ज्वेलरी वगैरह आप खरीद सकते हैं, परिवार का सुख मिलेगा, कविता का लिखने की आप या कुछ राइटर वगैरह हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, आपकी जो नैन नक्श हैं वो इस समय में काफ़ी कातिल होंगे, अपने कर्तव्यों का अपने दायित्वों का पूरा पालन करेंगे, जिसकी वजह से आपके बॉस खुश रहेंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, जीवन साथी का आप सहयोग करेंगे, जीवन साथी आपका सहयोग करेगा। इस समय में आप सजना संवरना बढ़िया चीज़ें लेना, श्रृंगार भौतिक विलास की चीज़ें, बढ़िया खाना बढ़िया पीना, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि जागृत होगी, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा और जो कुंवारे हैं उनके शादी के योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए शुक्र उनके तीसरे भाव यानी बल साहस और छोटी यात्रा भाव के स्वामी हैं, आठवें भाव यानी विरासत आकस्मिक लाभ अनिश्चितता के भाव के स्वामी हैं और इस दौरान जो शुक्र जो है दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी वाणी और आपका जो पैसा है इसको बड़ा संभल कर आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर नौकरी और व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो अचानक से लाभ हो सकते हैं, अचानक से बदलाव हो सकता है, जिसके बारे में सोचा ना हो, जिसके बारे में समझा ना हो, अचानक से हो जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ी सावधानी पूर्वक काम करिएगा अपने कार्य क्षेत्र में, वरना शत्रु आपको प्रभावित कर सकता है। कार्यस्थल में इस समय में आपकी सफलता को देखकर आपके शत्रु आप पर वार करेंगे, आपसे आपके शत्रु आपको प्रभावित करेंगे। अगर आप अपने व्यापार को करते हैं, खुद के व्यापारी हैं, तो किसी की कही सुनी बातों में मत आइएगा, लोग आपको गलत सलाह देकर आपका नुकसान करा सकते हैं, सट्टा शेयर मार्केट में आपके पैसे फंसा कर आपको हानि हो सकती है। अगर कोई डीलिंग वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो दिमाग खोल कर लगाइएगा, सलाह लेकर लगाइएगा, किसी अनजाने की सलाह या अपनी आधी अधूरी प्लानिंग करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इस समय में आपकी गणना, आपका सोच विचार, आपकी कैलकुलेशन फेल हो सकती है, जिसकी वजह से बड़ी धनहानि हो सकती है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस अवधि में किसी महत्वपूर्ण इंसान की सलाह लेकर ही काम करें, वरना धोखा हो सकता है। किसी भी प्रकार के धन के निवेश को करने से बचिएगा या सलाह लेकर करिएगा, योजना छोटी हो या बड़ी हो सावधानी जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके परिवार में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, ये उतार चढ़ाव रिश्तों में इसी वजह से आएंगे कि आप कोई गलत फैसला ले लेंगे, पैसा फालतू की जगह पर फंसा देंगे, उल्टा सीधा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, कुछ गलतफहमियां आप हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, आप कहें कि मैं ये करूंगा, घर वाले कहें मैं हम ये गलत है, आप किसी की सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो नुकसान होना तय है। आपके घर में किसी की सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से पैसा खर्च हो सकता है। इस समय में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपको आपके माता पिता भाई बहन का सहयोग मिलेगा, लेकिन आप उनका सहयोग नहीं करेंगे। अब आप इस तड़ी में होंगे, अरे मैं समझदार हूँ, मुझे तो सब पता है, तो आप अपने भाई बहन की सलाह नहीं लेंगे, माता पिता की सलाह नहीं लेंगे, पत्नी की सलाह नहीं लेंगे, पति की सलाह नहीं लेंगी आप, और अपनी मन मर्जी से काम करके नुकसान कर बैठेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, गलत डिसीजंस होंगे और आपके जीवन में जो सुख है उसको यही गलत डिसीजंस, गलत खर्चे, गलत फैसले आपके सुखी जीवन को खराब कर देंगे। तो मैं यही कहूँगा, ये गोचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा तुर्रम खान मत बनिएगा, अपने आप को ही समझदार मत समझिए, दूसरे भी समझदार हैं, उनकी भी सलाह ले लीजिए, दिमाग पर पट्टी मत बांध लीजिए, आंखों में पट्टी मत बांध लीजिए, ये वक्त अच्छा है, आपकी ही गलतियां आपको ले डूबेंगी, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो बहुत लाभ है, अगर शुक्र खराब है तो लाभ कमा कर आप गंवाएंगे, अपना भी गंवाएंगे, दूसरे का भी गंवाएंगे और घर में फिर कलह कलेश भी होगा। तो सावधान रहिए, वक्त बहुत अच्छा है, इसको कृपया करके खराब मत करिएगा। शुक्र को बेहतर रखने के लिए आपको क्या काम करना है, एक तो स्त्री का सम्मान करना है, घर की महिलाओं का सम्मान करना है, एक दूसरे की सलाह से काम करना है, बिना सोचे विचारे लालच वाली स्कीमों में फंसना नहीं है, बिना सोच विचार के कोई काम नहीं करना है, और किसी की लाभ को देखकर आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको मिल रहा है तो आपको भी मिल जाएगा और आप अपना पैसा लगा बैठे, किसी पे यकीन नहीं करना है, फालतू का लेन देन नहीं करना है और अपने मन को स्वच्छ रखना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, पत्नी का सम्मान, पति का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, और अपनी स्पेशल उपाय जानने के लिए जो आपके लिए होंगे स्पेशल ओनली फॉर यू, उनको जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी है, जन्म कुंडली की जांच कराकर स्पेशल उपायों को जानिए ताकि शुक्र ही नहीं अन्य ग्रहों को भी मजबूत कर सकें और जीवन सुख से भर जाए। वैसे आपके लिए यह वक्त अच्छा है, अगर आपको नुकसान होगा तो दो ही कारणों से होगा, या तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब होंगे या फिर आप
खुद ही गलतियां करेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, ईश्वर से प्रार्थना है। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखिए और अपनी स्पेशल कुंडली बनवाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। हरिओम।